नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के उमती थाना क्षेत्र अंतर्गत 27 नवंबर 2023 को सिविक सेंटर में मोहम्मद मुजाहिद के बदमाशों ने बीच सड़क में धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी थी। वहीं हत्या का वीडियो भी वायरल हुआ था। वहीं पुलिस ने हत्या के मामले में चार आरोपी रुद्र सोनकर, सुजल सोनकर, अमन तिवारी और आदित्य झा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जहां मृतक के पिता मोहम्मद बसीर को दो दिन पहले कैंट थाना पुलिस उठाकर ले गई, जिनके ऊपर मर्डर केस में फंसे आरोपी आदित्य झा के मामा सनी झा ने आरोप लगाया कि वह अपने दोस्त के साथ नर्मदा दर्शन कर लौट रहा था। इतने में मोहम्मद वजीर और उसके साथियों ने उसके ऊपर गोली चला दी, जिससे उसके पैर में गोली लगी थी। वहीं पुलिस ने कथन के आधार पर मोहम्मद वजीर को थाने लाया गया और उक्त घटना के संबंध में पूछताछ की गई। वहीं मोहम्मद वजीर ने बताया कि वह अपने घर पर था, ना ही वह कहीं गया था। उसके द्वारा पुलिस को घर के सीसीटीवी भी उपलब्ध कराए गए। साथ ही घायल सनी के सामने मोहम्मद वजीर को खड़ा कर पूछा गया तो उसने इनकार कर दिया कि ये वह नहीं है। मोहम्मद वजीर ने गोली चलाई है क्योंकि उसके भांजे ने मोहम्मद मुजाहिद को मारा था, इसलिए वह लोग उसे मारना चाहते हैं। वहीं पुलिस को मामला संदिग्ध नजर आने पर मोहम्मद वजीर को पूछताछ कर छोड़ दिया गया। जहां मृतक के पिता ने बताया कि उनके बेटे की हत्या के मामले में चार आरोपी बंद है, जहां लगातार गवाही बदलने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। वहीं गवाही न बदले जाने पर झूठे केस में फंसाने की धमकियां दी आरोपियों के परिजनों के द्वारा दी जा रही है। मोहम्मद वजीर ने कहा कि पुलिस प्रशासन से मांग है कि जो लोग उन पर दबाव बना रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्हें इंसाफ चाहिए। वहीं दो दिन पूर्व गोलीकांड में थाना प्रभारी रजनीश मिश्रा का कहना है कि मामला संदिग्ध है और बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले की एक ज्ञापन मृतक के पिता ने एसपी को दिया है और उनसे गुहार लगाई है कि कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो इसकी बारीकी से जांच की जाए, और कैंट थाना पुलिस ने उनकी पूरी मदद की है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। ऐसा मामला है, ये हमारा बेटा 27/11/2024 को सिविक सेंटर में हमारे बेटे का यही इन्हीं लोगों ने, उनके भाई लोगों ने, अपराधियों ने हमारे बेटे का मर्डर कर दिया। ये उस विषय में ये लोग हमको दबाव बना रहे हैं, पैसे की लालच दे रहे हैं। एक गवाह को हमारे आधार ताल में लोगों ने घेर लिया रहा, धमका रहे थे कि ताकि तू गवाही पलट दे हमको। ये लोग ऐसा चाह रहे हैं कि यहाँ वहाँ से हम प्रेशर बना के इसको पलटा दें, मतलब इस मामले को, और हमारे को मतलब हर तरफ से खबर भेजी जा रहे हैं और ये दबाव बनाया जा रहा है कि जानबूझ के ये लोग हमसे दब जाए। पुलिस वहाँ पर ने गोली मार ली अपने आप को, हमारा उसका कोई मैटर नहीं, उसी का भाई जेल के अंदर बंद है, इसलिए उसने गोली मारा ताकि हम केस वापस ले लें और उनसे डर जाएँ। लेकिन हमको जो कैंट पुलिस जो हमारे हैं साहब, उनने हमारी बहुत मदद करी, उनने हमारा सहयोग करा, उनने निष्पक्ष जाँच करी और हमको बाइचान्स उन्होंने छोड़ा कि हम उस केस में नहीं थे। हम अपने घर में सो रहे थे, रात को 2 बजे पुलिस आई, हमको ले गई, जांच करवाई, उससे पूछताछ हुई सामने सामने उससे कि ये लोग हैं, तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया, ये इसमें छोटू भाई लोग नहीं है, इसमें ये लोग नहीं है। वो जिसको गोली लगी वो वहाँ पर पहचानने से इनकार कर दिया। आपका नाम थाने में लिया था उसने? हमारा नाम थाने में लिया था उसने, लेकिन हमको जानता रहा कि हम मृतक के पिताजी हैं, इसलिए उसने हमारा नाम ले लिया। बेटे का क्या नाम था? बेटे का नाम मोहम्मद मुसाहिद था। अभी केस पर हमारा चल रहा है और वो जेल में है चारों भाई, इतने समय से साल भर से आज वो लोग जेल में हैं, इसलिए वो दबाव बना रहे हैं कि अपने भाई को छुड़वाने के लिए। कहीं हमको यहाँ वहाँ से दबाव बनाते रहते, लोगों को भेजते रहते हैं कि तुम केस वापस ले लो नहीं तो मार डालेंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अगर भविष्य में ऐसा तो क्या चाहते हैं प्रशासन? भाई भविष्य में ऐसा कुछ हो तो प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई करे, हमको प्रशासन सपोर्ट करे, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए हमको सपोर्ट करे, ताकि ये हमारे बच्चे का इंसाफ हो सके, मिल सके हमको प्रशासन से। प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन ने हमारी मदद करी है। ऐसा आपके बच्चे का मोहम्मद मुसाहिद नाम था हमारा। कितने साल का था? 20 साल का था हमारे लड़का। 27/11/2023 को सिविक सेंटर में हुई थी। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद वजीर है। उस घटना में कुछ क्लू मिले हैं और उसमें लगातार हमारी पुलिस टीम काम कर रही है और जल्द ही इसमें घटना के सही होने या घटना घटित होने या न घटित होने के संबंध में निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे तकनीकी साक्ष्य और कुछ मौखिक साक्ष्य भी जुटा लिए गए हैं और जल्द ही इसका निराकरण किया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।